उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आए नेपाल यात्रियों को बेकाबू कार ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हम लोग टोटल करके 35 लोग हैं जो चार धाम के लिए आए थे। कल के घटने के बारे में आप लोगों का तो मालूम हो चुका है, यहाँ से प्रहरी चौकी से सब कुछ रिपोर्ट लिख कर ले चुके हैं। लेकिन अब हमारी ये बात है कि दो लोग तो मर चुके हैं, एक को देहरादून लेकर जाते वक्त वो मर गए। दो घायल अभी एक देखा था। उत्तराखंड सरकार जहां चार धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित होने का दावा कर रही है, वहीं आए दिन सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।